एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये तो पर्दा है पर्दा, कपकपाती रातों में धड़कते हुए दिलों की भड़कती हुई आग को बुझाने का। मैंने प्यार किया में मोहनीश बहल जी का ये डायलॉग सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये हमारे समाज का आईना है। वो पुराने हिंदी फिल्म क्रिटिक्स ऐसे लिखते थे ना कि सिनेमा समाज का आईना है। ये डायलॉग वो वाला आईना था जो हर घर में लगा था। जब हम छोटे थे तब तो मम्मी पापा को लगता था कि किसी को नजर भर देख भी लेने से उनकी बेटी दूषित हो जाएगी, और जो लड़के शीशे में देखकर खुद के बाल भी सवार ले तो माँ बाप समझ जाते थे कि लड़का अब बिगड़ चुका है। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है, आप देख रहे हैं म्याऊ, और अब तक आप समझ गए होंगे कि बात हो रही है लड़के और लड़कियों के बीच की दोस्ती की। दुनिया इस बात पर दो धड़ों में बटी है, एक टीम मोनीश बहल है और दूसरी नॉर्मल लोगों की टीम है जो ऑपोजिट जेंडर के लोगों से दोस्ती रखते हैं, निभाते हैं, और अगर उनके पार्टनर की किसी ऑपोजिट जेंडर के व्यक्ति से दोस्ती होती है तो उससे किलस्ते नहीं हैं, उन पर ताने नहीं कसते, उनकी अग्नि परीक्षा नहीं लेते। तो ये अचानक आज मैं रिलेशनशिप गुरु क्यों बनी हुई हूँ? आप तो जानते ही हो कि मेरे लिए सोशल मीडिया कंटेंट का गोदाम है। जाने क्यों मैंने एक ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर रखा है जिसमें बहुत यंग लोग हैं, निब्बा निब्बी जिनको आम भाषा में कहते हैं। मैं नहीं कहती, आप भी मत कहिएगा, क्योंकि निब्बा निब्बी शब्द की उत्पत्ति बड़े ही रेसिस्ट आइडिया से हुई है जिस पर हम फिर कभी बात कर सकते हैं। खैर, हम वापस आते हैं। तो इन यंग ग्रुप्स पर कई मीम्स दिखते हैं जिनका ओवरऑल मीनिंग ये होता है कि अगर सही समय पर आपने अपनी गर्लफ्रेंड को कंट्रोल नहीं किया तो वो अपने मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ कट लेगी और आप पबजी खेलते रह जाओगे। ऐसे ही कुछ मीम्स हमारे वीडियो एडिटर साहब आपको स्क्रीन पर चलाते दिखेंगे। लगभग सभी में यह अर्थ छुपा है कि लड़की का मेल बेस्ट फ्रेंड आपको आपकी नाक के नीचे से उड़ा ले जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये देखिए मुकेश अंबानी वाला मीम, ये जॉनी लीवर, ये ट्वाइलाइट, ये महाभारत से, ये आपका स्पाइडरमैन मीम। एक फिल्म आई थी प्यार का पंचनामा, वो शायद मेरे लिए इतिहास की सबसे घटिया फिल्म थी जिसमें रिश्तों को एक तरफा, मैस्कुलिन और कुंठित तरीके से दिखाया गया था। कुछ कुछ सेक्सिस्ट डायलॉग लड़कों में बहुत पॉपुलर भी हुए, जिससे ये भी साबित होता है कि हम ऐसी सोच में विश्वास रखते हैं। कार्तिक आर्यन के मोनोलॉग में क्या था, ये लड़कियां लड़के बेस्ट फ्रेंड्स लाती कहां से हैं? तूने सुना है कि मैं किसी लड़की का बेस्ट फ्रेंड हूं? ये कौन से लड़के होते हैं जो हमें नजर नहीं आते, कहां छुपकर बैठे होते हैं, इन्हें देखकर कैसे पता चलेगा कि ये लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे? तो इसके जवाब में दूसरा लड़का कहता है, भाई ये हमारे जैसे ही दिखते हैं, बस दिल टूटने की देर है, दिल टूटते ही लड़कियों जैसे रोने लगेंगे, फिर लड़कियों को होगी सिंपैथी, फिर एम्पैथी, फिर सेंसिटिविटी, ये लौंडिया बनकर लौंडियों से चिपक जाते हैं। अब इस सीन में कितने स्तर पर क्या क्या गलत है इस पर बात करेंगे तो घंटों बीत जाएंगे। आप शायद यहां मेरा पॉइंट समझ रहे हो सकता है ये फिल्म और सीन आपको पसंद भी हो, मगर आज आप इस पर जरा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि कार्तिक आर्यन के किरदार जैसी सोच में दिक्कत क्या है। पहली दिक्कत तो ये है कि इसमें लड़की को कोई ऑब्जेक्ट समझा जा रहा है जो आज अगर आपका है तो कल किसी और का हो नहीं सकता, आपने उसको खरीद लिया है, आप उसके मालिक हैं, वगैरह वगैरह। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़की चीट कर ले तो वो बहुत ही अच्छी बात है, मैं ये कह रही हूँ कि लड़की हो या लड़का, दोनों को एक रिलेशनशिप में पूरा अधिकार है कि वो ब्रेकअप करके किसी और के साथ आगे बढ़े, फिर चाहे वो उनका कोई अच्छा या अच्छी दोस्त ही क्यों ना हो। दूसरी दिक्कत ये है कि सोच दिखाती है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, अगर ऐसा है तो आपको उस रिलेशनशिप में वैसे भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके और आपकी गर्लफ्रेंड के बीच का रिश्ता इतना नाजुक है कि किसी अन्य पुरुष की उपस्थिति से उसके आने से वो डैमेज हो जाएगा, तो इसका मतलब यही है कि आपको या तो अपनी गर्लफ्रेंड पर पूरा भरोसा नहीं है या खुद के प्रेम पर भरोसा नहीं है। तीसरा, ये आपके ही इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और कॉन्फिडेंस इश्यूज को दिखाता है कि आपको लगता है कि और कोई और जो है वो आपकी प्रेमिका से बेहतर है, आपकी प्रेमिका को कोई और आपसे ज़्यादा खुश रख सकता है। यहाँ मैं ये सभी बातें लड़कों को कह रही हूँ क्योंकि ये मीम्स लड़कियों पर ही बने हुए हैं। जो जेलसी, जो जे वर्ड होता है, जेलसी की सिचुएशन दोनों तरफ से हो सकती है, और जो बातें मैंने अभी कही वो आप लड़कियों पर भी वैसे ही लागू कर सकते हैं जैसे लड़कों पर, मगर हमारा समाज ऐसा है कि लड़की अगर जेलस हो तो उसको स्टीरियोटाइप किया जाता है कि ये तो ठहरी जलकुकड़ी, और लड़का जेलस हो तो ओ कितना क्यूट है, ही इज सो ऑब्सेस्ड विद यू।
अब मैं थोड़ा लव गुरु मोड में आ जाती हूँ। देखिए, कोई भी रिश्ता डैमेज प्रूफ नहीं होता, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर से बैठकर गंभीर कम्युनिकेशन करने के बजाय या फिर उन पर भरोसे की कमी दिखाते हुए उनसे उल्टे सवाल पूछेंगे तो ये आपकी मदद नहीं करेगा। किसी रिश्ते को अगर आप सचमुच बचाना चाहते हैं तो इन मीम्स जैसी भोंडी और सतही सोच भी आपकी मदद नहीं करेगी। हम सभी इंसान हैं और अक्सर रिश्तों में इनसिक्योरिटीज से भर जाते हैं, लेकिन वो जहर तब बनता है जब आप अपनी इनसिक्योरिटी पर काम करने के बजाय अपने पार्टनर पर ही प्रतिबंध लगा दें। आप अगर उनके फ़ोन चेक करने लगेंगे घड़ी घड़ी तो ये आपकी मदद नहीं करेगा। आप उनके मालिक नहीं हैं। उनके सोशल मीडिया में आप अगर घुस जाएं तो सिर्फ आप अपने रिश्ते को और ज़्यादा डैमेज ही कर पाएंगे। ये सच है कि कई लोग, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही शामिल हैं, वो कई बार अपने पार्टनर से इतर रिश्ते रखते हैं, जिसे आम भाषा में लोग चीटिंग कहते हैं। लेकिन अपने पार्टनर को ये स्पेस ही ना देना कि वो ऑपोजिट जेंडर से दोस्ती रखे सिर्फ इस डर से कि हाय वो फ्यूचर में मुझे चीट ना कर ले, ये सरासर मूर्खता है। थोड़ा भरोसा करना सीखिए, क्योंकि प्रेम और विश्वास एक ही नाव पर सवार होकर आते हैं, अलग अलग नहीं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपना प्यार और विश्वास मुझ पर बनाए रखिए। शुक्रिया।